हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज अपनी क्या करेंगे, जनरल एग्रीकल्चर। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि अपने जनरल एग्रीकल्चर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसी का कंटिन्यू सीरीज में बच्चों आज अपने पास कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट 3। अभी तक जिन बच्चों ने जो दो पार्ट नहीं देखे हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट फर्स्ट और ऑब्जेक्टिव पार्ट सेकंड, तो आप पहले स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है कि आप वो देखें, उसके बाद में अपने नेक्स्ट इस पर आओगे तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। और स्टूडेंट्स, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मेन एग्जाम में मिलते हैं, किस प्रकार आपको सॉल्यूशन करना है वो सब अपने डिस्कशन करेंगे। चलो, अपने पास कौन सा क्वेश्चन है, तो यहाँ से देखें स्टूडेंट्स। काजरी का स्थापना वर्ष है, यानी कि काजरी की स्थापना बच्चों कहाँ की गई थी, तो ये आपको दे दिया है क्वेश्चन में कि काजरी का स्थापना वर्ष इस में जोधपुर में की गई थी। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी एग्जामिनर दे सकता है, CAZRI। ओके, यदि कई बार देखा गया है कि इसको ना इसी प्रकार भी दिया जा सकता है, CAZRI। और इस प्रकार का जब कई बार क्वेश्चन दे दिया जाता है तो स्टूडेंट्स कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है। तो बच्चों, पहले आपको मैं बता देता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसका आंसर आसान होगा। तो बच्चों, अपने पास CAZRI या इसको संयुक्त रूप से कहें काजरी का स्थापना वर्ष, या इसका फुल फॉर्म दिया जाता है बच्चों क्या, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान इसको हिंदी में कहते हैं। तो इसका स्थापना वर्ष बच्चों कहाँ कब किया गया था, तो इसका स्थापना वर्ष है 1929, 1952, 1959। तो बच्चों इसका तीन नंबर ऑप्शन है, अपने पास क्या है राइट, इसका तीन नंबर ऑप्शन रहेगा। यानी कि काजरी का स्थापना 1959 में कहाँ की गई थी, जोधपुर में की गई थी। ओके, किस प्रकार क्वेश्चन दे सकता है एग्जामिनर, आपको ये पैटर्न बता दिया। अब अपने अन्य ऑप्शन पर भी बच्चों डिस्कशन कर लेते हैं कि 1929 में क्या बताया था। 1929 में आपको बताया था कि ICAR का स्थापना वर्ष कब था, 1929। विद डेट दिया जाए तो 16 जुलाई 1929। ओके, इसको ICAR की स्थापना। 1952 में बच्चों आपको क्या बताया था, 1952 में CDP प्रोग्राम। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा CDP का अर्थ हो गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये चलाया गया था 1959 में। अपने पास ये हो गया। 1972 में बच्चों किसका स्थापना वर्ष किया गया था, 1972 में बहुत इंपॉर्टेंट है इक्रीसेट। ठीक है ना, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। तो आपसे कई बार संयुक्त रूप से पूछा जाता है कि इक्रीसेट का स्थापना वर्ष क्या है, 1972, और इक्रीसेट की बच्चों स्थापना कहाँ की गई थी, इक्रीसेट की स्थापना की गई थी हैदराबाद। ओके, हैदराबाद बच्चों आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, तो ये अपने पास इस प्रकार क्वेश्चन रहते हैं। चलो, अब अपने आपको बता देते हैं कि आप बच्चों कहाँ तैयारी कर रहे हैं। एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट रायश्रीनगर में तैयारी कर रहे हैं। आपको इसी प्रकार डिजिटल सिस्टम से पढ़ाया जाएगा। और अब जो बच्चों के लिए क्रेश कोर्स है वो 22 अप्रैल से चालू होने वाला है। ठीक है ना, 22 अप्रैल से जब तक आपका जेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक चलेगा। और ये बच्चों न्यू बैच स्टार्ट है। और कहाँ है इसका एड्रेस, आपको सिटी पार्क के सामने रायश्रीनगर ये संस्थान है। इसमें संस्थान के नंबर दिए गए हैं, यदि अधिक इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। और अब आपके दिमाग में ऑप्शन होगा कि सर इसकी फ़ीस कितनी है, तो बच्चों सब संस्थान से कम फीस है। राजस्थान के जितने भी संस्थान हैं कंपेरिजन करें क्वालिटी के मामले में, तो सबसे कम फीस इसी की है। बस एक बार आप ज़रूर डेमो अटेंड करना। इसकी फ़ीस बच्चों कितनी है, यदि क्रेश कोर्स की बात करें अन्य संस्थानों की, तो 10,000 रहती है। कितनी रहती है बच्चों, 10,000 रहती है। परंतु यहाँ
यदि आप हमारे पास आते हैं तो इसकी फीस मात्र रहेगी 4,999, यानी कि इक्वल टू करें तो अपने पास बच्चों 5,000 रुपये में आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा वेल तरीके से, जिसमें आपको PDF नोट्स मिलेंगे, AC क्लासेज रहेगी और वेल फैकल्टी के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। चलो अभी बात करते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से देखें स्टूडेंट्स अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट, बच्चों पोमग्रेनेट क्या होता है? अनार। तो अनार का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बच्चों कल क्या बताया था, नागपुर में अपने पास क्या था, नींबू वर्गीय, यानी कि सिट्रस ग्रुप का कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र में। कुफरी में बच्चों कौन सा संस्थान है, CPRI सेंट्रल पोटेटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश है। तो ये तो दोनों नहीं हुए अपने पास। तो अनार का कहाँ है बच्चों, अनार का अपने पास है सोलापुर महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या जाने वाला है, सोलापुर महाराष्ट्र। और करनाल हरियाणा में आपको याद होगा कि क्या बताया था बच्चों, करनाल हरियाणा में आपके पास क्या बताया था, एक बताया था नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, करनाल हरियाणा था। और दूसरा आपको इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट करवाया था, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI, कहाँ स्थित है बच्चों, करनाल हरियाणा। तो ये आपको याद करना होगा। NDRI का स्थापना वर्ष भी आपको बताया था 1955, तो ये आपको याद करना होगा। ओके चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असंगत का चयन करना होगा। तो यहाँ बच्चों संस्थान दिया गया है, सबसे टॉपिक हार्ड यही होता है और एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में दिया जाता है, इसीलिए आपको इस प्रकार से संस्थान याद करवाने की कोशिश है। तो यहाँ स्थान दिया है, तो बच्चों CISH का अर्थ क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, यानी कि केंद्रीय उपोषण उद्यानिकी संस्थान कहाँ है बच्चों, लखनऊ UP, ये कहाँ है, सही है। आपको सिलेक्ट करना था असंगत का, तो ये तो सही हो गया, हाँ सर। CIH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, ये भी बच्चों कहाँ है, बीकानेर, ओके ये भी सही है। ये कहाँ है, राजस्थान में, हाँ सर, तो ये भी सही हो गया, यानी दोनों ऑप्शन सही हैं। सिलेक्ट क्या करना था, असंगत करना था। CITH यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, बच्चों कहाँ है टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, बच्चों श्रीनगर J&K जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है बच्चों, ये हिमाचल में नहीं है, गलती हो जाएगी आपसे। तो ये आपका असंगत है। और यहाँ IIHR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ स्थित है बच्चों, कर्नाटक में। यदि लोकेशन दी जाए तो कौन सी होगी, कर्नाटक में यदि लोकेशन दी जाए तो बच्चों अपने पास क्या होगा, हेसर गट्टा बेंगलोर, ठीक है ना, हेसर गट्टा बेंगलोर। स्थापना भी कल आपको बताया था 1968, ठीक है ना, वैसे 5 नवंबर 1967 है, कई बार ऑप्शन में ये दिया जाता है, तो ये करना होगा। तो इसमें अपने पास राइट आंसर क्या हुआ बच्चों, तो 3 नंबर इसका क्या है, राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपने पास, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, यानी कि बच्चों क्या दिया है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस, सीड स्पाइसेस, ठीक है ना, सीड स्पाइसेस। तो ये कहाँ है बच्चों, बीजीय लग गया तो बीजीय से क्या याद करोगे, तबीजी, और तबीजी बच्चों कहाँ स्थित है, तबीजी आपका संस्थान है अजमेर, यानी कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है बच्चों, अजमेर में है। तो आपको बीजीय से तबीजी याद करना होगा, ओके। तो अब सर अन्य में कौन कौन से इम्पोर्टेंट है जो बता सकते हैं, चलो बच्चों यहाँ पर जयपुर में कौन सा होगा, NIAM याद करना बच्चों, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, यानी कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, क्या बच्चों, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर हो गया। बीकानेर में अभी अपनी इम्पोर्टेंट करके आई हैं, तो CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, यानी कि केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान कहाँ स्थित है, बीकानेर हो गया, ओके। अब अपने पास ये अपने पास क्या हो गया, तबीजी अजमेर हो गया। इसी के साथ बच्चे कंफ्यूज किस में होंगे, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
स्पाइसेज रिसर्च यानी कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कौन सा? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, मसाला अनुसंधान संस्थान संस्थान, ये बच्चों कहाँ है? कोझिकोड, कोझिकोड कालीकट केरल, कालीकट केरल, ज़्यादातर बुकों में कालीकट केरल दिया जाता है, तो ये आपको याद करना होगा। और अजमेर में आपको कौन सा बताया था? तो अजमेर में आप कहूँगी सर सी ए जेड आर आई बताया था। काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है बच्चों? जोधपुर। स्थापना वर्ष भी आपको याद करना होगा 1959। तो ये सब चीज़ें बच्चों याद करना होगा। तो इसका राइट आंसर अपने पास क्या है? 3। ओके, फिर बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट अपने पास राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? देखो NDRI, अभी आपको याद आ गया कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ बताया था सर ने? ये बताया था करनाल हरियाणा। कहाँ बताया था बच्चों? करनाल हरियाणा। आपको है ना वैसे तुक्के नहीं लगाने हैं कि अब क्या करना है, अब आपको सोचना है कि आप क्या पढ़ कर आए हैं और क्या पूछा है। अब करनाल आपको पता है, फिर आपके सामने हरियाणा है, और नहीं तो एग्जाम में आप बैठे बैठे क्या कर देंगे कि NDRI गुजरात कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ बच्चों ये करनाल हरियाणा होगा, तो अपने पास 4 ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, इसका 4 राइट हो जाएगा। अब साथ में देखो गुजरात दिया है, तो गुजरात में कौन सा संस्थान स्थित है? तो बच्चों देखो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, कौन सा स्थित है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है बच्चों? ये है आनंद गुजरात, आनंद गुजरात, ठीक है ना। अब इसी से दूसरा पॉइंट देखें तो इसका स्थापना वर्ष हुआ था बच्चों 1965, ठीक है। इसके प्रथम चेयरमैन कौन थे? प्रथम डायरेक्टर थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। और इन्हीं कोई क्या मानते हैं बच्चों? व्हाइट रिवोल्यूशन के फादर, यानी कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो ये श्वेत क्रांति के जनक है, श्वेत क्रांति के जनक, के जनक, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा। चलो यहीं से एक प्रोग्राम चलाया गया था NDDB से, कौन सा? ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, जिसका संबंध क्या था? जिसका उद्देश्य था कि दूध के क्षेत्र में बाढ़ लाना, ठीक है ना, यानी कि दूध को बढ़ावा देना। तो ये इस प्रकार आपको याद करना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यानी कि बच्चों देखो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI कहाँ स्थित है? इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो बच्चों वाराणसी, इज्जतनगर, लखनऊ, ये सब क्या दे दिए? झांसी। ये सभी ऑप्शन किसके मिल गए बच्चों? यूपी। लगभग बच्चों का पढ़ा हुआ होता है कि IVRI कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ है बच्चों? ये इज्जतनगर यूपी में रहेगा। तो अपने पास 2 इसका क्या जाएगा? राइट आंसर। वहीं कन्फ्यूज किसके साथ हो जाएंगे? कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट, ये भारतीय, ये IIVRI क्या है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, सब्जी अनुसंधान संस्थान, ठीक है ना। तो IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी यूपी हो गया। अब बच्चों लखनऊ में क्या है? तो लखनऊ में अभी आपको बताया था इम्पोर्टेंट CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, रहमान खेड़ा लखनऊ यूपी हो जाएगा, CISH। ओके, अभी अपने पास CIAH की बात की थी, वो कहाँ था? वो आप कहूँ सर बीकानेर में था, बीकानेर में। CITH की बात की थी, वो आप कहोगे जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में था। ओके, अब बच्चों अपने पास ऑप्शन मिलता है 4, झांसी में क्या है? तो झांसी में बच्चों आपके पास क्या है? इंडियन ग्रास लैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट IGFRI कहाँ स्थित है बच्चों? झांसी यूपी में। कहाँ है IGFRI? कहाँ स्थित है? झांसी में। वहीं बच्चों आपको यदि आपको याद होगा तो प्रीवियस लेक्चर में आपको क्या बताया था कि FRI कहाँ स्थित है? FRI बच्चों स्थित है देहरादून,
में देहरादून उत्तराखंड में, देहरादून उत्तराखंड में स्थापना वर्ष था 1906। और यदि इसी से रिलेटेड आपको पूछा जाए आफरी AFRI यानी कि एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो बच्चों ये जाएगा जोधपुर। तो इस प्रकार आपको क्या याद करना होगा, इंटरलेट करके याद करना होगा। ओके चलो, यही अभी अपने पास क्वेश्चन क्या दे दिया, इंडियन ग्रास लैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट IGFRI यानी कि इसका बच्चों हिंदी में क्या बनेगा, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान, चारा अनुसंधान संस्थान, ठीक है ना। तो ये कहाँ स्थित है, ये बच्चों अभी आप कहोगे सर अभी आपने बताया था कहाँ स्थित है, झांसी यूपी में, झांसी यूपी में। तो इसका बच्चों राइट आंसर अपने पास क्या गया, 4 नंबर। चलो अभी यदि जिन बच्चों ने प्रीवियस 2 लेक्चर अटेंड किए हैं तो उनको पता होगा कि मेडजी फेमा कहाँ स्थित है बच्चों, नागालैंड। तो मेडजी फेमा में आपको क्या बताया था, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन किसका, मिथुन का था, मेडजी फेमा नागालैंड। वहीं बच्चों देखें तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग यानी कि सुअर का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है बच्चों, गुवाहाटी कहाँ स्थित है, असम। गुवाहाटी कहाँ स्थित है बच्चों, असम में स्थित है। चलो अब बात करें रांची, तो रांची में कौन सा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जो आपको याद होना चाहिए, तो इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट ILRI यानी कि भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान। क्या बच्चों, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, रांची झारखंड में। ओके तो झांसी में आपके पास ये हो गया, तो इस प्रकार आपको याद करना चाहिए। चलिए अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है CRIDA क्रीडा, इसको बच्चों क्या लिखा मिल सकता है, क्रीडा लिखा मिल सकता है कि क्रीडा स्थित है, तो इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ओके तो ये इसका क्रीडा का हो गया। तो क्रीडा कहाँ स्थित है बच्चों, क्रीडा हैदराबाद में स्थित है। बेंगलोर, एलेपो कहाँ है बच्चों, सीरिया, फिलीपींस, मनीला फिलीपींस, ठीक है ना। तो यहाँ देखो अब ये अपने पास इसका राइट आंसर 2 नंबर हो गया। अब यहाँ देखो बेंगलोर में क्या स्थित है, बेंगलोर में, तो बेंगलोर में बच्चों क्या, इक्री सेट यदि आपको पता हो, अभी बताया था ना इक्री सेट कहाँ है हैदराबाद में ही है। बेंगलोर में आपको क्या बता रखा है, बेंगलोर में IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च हेसरघट्टा बेंगलोर बता रखा है, इक्री सेट भी यहाँ हो गया। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, एलेपो सीरिया में इकार्डा यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज, दोबारा बोल देता हूँ, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज। ओके यहाँ पर अपने पास इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद। चलो मनीला फिलीपींस में बच्चों कौन सा संस्थान स्थित है, तो IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, मनीला फिलीपींस। इसका स्थापना वर्ष भी इंपॉर्टेंट है 1960, तो आपको बच्चों याद करना होगा। इक्री सेट का क्या बताया था, 1972, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद करना होगा, ठीक है। इकार्डा आपके पास क्या हो गया, 1977 होना चाहिए। क्रीडा आपके पास क्या होना चाहिए, 1984 होना चाहिए, तो इस प्रकार आपको याद होना चाहिए। चलो ये देखो अपने पास सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर क्रिजाफ
इसको लिखेंगे तो क्या मिलेगा, क्रिचाफ, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर। कहाँ स्थित है बच्चों, ये है बैरकपुर वेस्ट बंगाल। कहाँ स्थित है, बैरकपुर वेस्ट बंगाल। तो अभी अपने पास कौन सा ऑप्शन है, तो असम, बिहार, वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ये जाएगा अपने पास। ओके, अभी आप कहोगे सर असम में क्या बताया था आपने, गुवाहाटी असम। गुवाहाटी असम में क्या बताया था बच्चों, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिक, यानी सुअर का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। बिहार में यदि आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो क्या बता रखा है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, लीची। मुजफ्फरपुर बिहार बताया था, मुजफ्फरपुर बिहार बताया था। मणिपुर में आपको क्या बताया था, इम्फाल मणिपुर में फर्स्ट सेंट्रल एग्रीकल्चर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फर्स्ट कौन सी थी, CAU कौन थी, इम्फाल मणिपुर, इम्फाल मणिपुर थी। तो इस प्रकार आपको याद करने होंगे। तो चारों ऑप्शन पर बच्चों आपका पूरा ध्यान होना चाहिए कि किस प्रकार आपको राइट आंसर करना है। चलो फिर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, संस्थान दे दिया NDDB बच्चों, आनंद गुजरात है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ओके, इक्री सेट आप कहोगे सर हैदराबाद, आपने बताया था इक्री सेट हो गया। इसका स्थापना वर्ष 1972, इसका स्थापना वर्ष 1965 आपको याद करना होगा। चलो FCI बच्चों नई दिल्ली, ये भी आपका राइट है, 1965, ठीक है। या CIH, तो CIH बच्चों लखनऊ में नहीं है। CIH कहाँ बताया था, बीकानेर बताया था, कहाँ बताया था, बीकानेर बताया था। यहाँ लखनऊ में क्या बताया था, लखनऊ में आपको बताया था CISH, उपोषण उद्यानिकी, केंद्रीय उपोषण उद्यानिकी संस्थान लखनऊ में था। केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान कहाँ है बच्चों, बीकानेर में। तो इस प्रकार अपने पास इसका राइट आंसर, यानी सही नहीं है पूछा है, तो चार नंबर इसका राइट आंसर हो गया। ओके चलो, तो इसी प्रकार बच्चों आपको क्या मोटिवेशनल ध्यान रखना होगा कि अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत रखना। कोई भी काम हो बच्चों, स्टार्ट में क्या लगता है, कठिन लगता है, जैसे ही आप स्टार्ट करने लगेंगे आपको आसान हो जाएगा। तो पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, परंतु एक बार एग्री हब के साथ पढ़ कर देखें, बहुत शानदार लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, और यदि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो इसे रिलेटेड तो आप कॉल कर सकते हैं, और एक बार डेमो क्लास ज़रूर अटेंड करें। यदि आपको एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट करना है तो एग्री हब संस्थान से जुड़ कर देखें। थैंक यू स्टूडेंट्स।